अब बात करते हैं उस महीने की जिस महीने में किया गया स्नान, दान, पूजा पाठ और आराधना आपको धनवान बना सकता है। इस महीने में किए गए कुछ कार्यों से आप मां लक्ष्मी की असीम कृपा पा सकते हैं। कौन सा है वो महीना, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। पूरे हिंदुस्तान में इस महीने का सबको इंतजार रहता है, सबको इंतजार रहता है, क्योंकि ये महीना है महालक्ष्मी के पूजन का। महीना नंबर 8, नाम इसका कार्तिक। भगवान श्री कृष्ण को वनस्पतियों में तुलसी, पुण्य क्षेत्रों में द्वारिकापुरी, तिथियों में एकादशी, महीनों में कार्तिक विशेष प्रिय। वैसे गीता में कहा गया है, मासा नाम मार्ग शीर्षोहम, ऋतु नाम कुसुमाकर। अगर किसी के मन में भ्रम हो रहा हो तो मैं स्पष्ट कर देता हूं, भगवान ने गीता में तो ये कहा है, मासा नाम मार्ग शीर्षोहम, ऋतु नाम कुसुमाकर। महीनों में मैं मार्ग शीर्ष हूं और ऋतुओं में मैं बसंत हूं। लेकिन कार्तिक का मास, चूंकि प्रभु श्री राम अमावस्या के दिन अयोध्या पधारे थे और उस दिन दिवाली मनाई गई थी, पूरे देश में दीप जला करके भगवान राम के आने की खुशहाली मनाई गई थी, इसलिए ये महीना अपने आप में विशिष्ट है। श्री हरि विष्णु जल में निवास करते हैं। कार्तिक मास में दीप दान करने से सभी संकट खत्म होते हैं। और ये महीना इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु सो करके उठ जाते हैं और इस दिन तुलसी का विवाह होता है और उसके बाद संसारिक लोगों को सब कार्य, विवाह, शादी, मुंडन, जनेऊ, सब शुभ कर्म करने की आज़ादी मिल जाती है। इसमें एक नरक चतुर्दशी को छोड़कर बाकी दिनों में शरीर में तेल मालिश करना वर्जित है। कार्तिक में कृतिका और मघा, ये शून्य नक्षत्र हैं, इनमें कार्य करने से धन का नाश होता है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी मास शून्य तिथियां हैं, इन तिथियों में भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। कार्तिक के महीने में गंगा स्नान, अरे बाप रे, इसका तो बहुत बड़ा फल है। हम लोगों के यहाँ तो कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि को किसानों का पूरा समूह गंगा जी के किनारे रेला रेल लगा देता है। जब मैं बचपन में था तो मैं क्या सुनता था वो बताऊँ आपको? मैं सुनता था कि खेती करते हैं किसान, गेहूं, जौ, मटर बोते हैं और उसमें कितने कीड़े मकोड़े खेत में मर जाते हैं हल चलाते समय, उन सब का पाप खत्म हो जाए, इसीलिए कार्तिक के महीने में पूर्णिमा को जाकर गंगा स्नान करते हैं। ऐसा ही बचपन में हम सुना करते थे और हर किसान जाकर के गंगा में स्नान कार्तिक पूर्णिमा को जरूर करता है। तो देखिए, कार्तिक का महीना महालक्ष्मी की पूजा के लिए, दीपावली का दिन आप जानते ही हैं, भाई को अकाल मृत्यु न हो इसके लिए भैया दूज होती है, घर में अन्न धन की कमी न हो इसलिए अन्नकूट होता है, घर में सदैव जो है कुबेर और लक्ष्मी का वास हो इसलिए धनतेरस होता है। तो कार्तिक का महीना तो अपने आप में हम क्या कहेंगे, आप खुद जानते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर महीना है और शुभ कार्यों की शुरुआत कराने वाला महीना है, इसलिए वंदनीय पूजनीय माँ है। जय माँ विंध्यवासिनी।